भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्तगण उनके लिए कई व्रत रखते हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्व रखने वाला है एकादशी व्रत। इस साल 31 मई को यह व्रत पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर बरसे और आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो आप इसके लिए विशेष तौर से भगवान विष्णु की अर्चना करने के साथ साथ किसी ब्राह्मण, गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, बिस्तर और छाता आदि दान करें तो आपको लाभकारी फल मिलेंगे। इसी के साथ ही इस दिन माँ तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। निर्जला एकादशी जो व्रत है, ये ज्येष्ठ मास के महीने को पड़ता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, ये वर्ष में एक ही बार ही पड़ता है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो दान की बात आप पूछ रहे हैं, तो दान किसका है? दान करना चाहिए जल का, क्योंकि ज्येष्ठ महीने की जो गर्मी होती है बहुत जो है कष्टप्रद होती है। और राहगीर जो चलने वाला व्यक्ति है, जिसको जल नहीं मिलता, प्याऊ जिसको हम कहते हैं, लोगों को प्याऊ लगाना चाहिए, जल का दान मुख्यतः जो राहगीर चल रहे हैं। और हम पूजा पाठ की अगर बात करते हैं, पूजा भगवान श्री हरि की, विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती तुलसी जो लक्ष्मी स्वरूप है, उनके साथ इनके संयुक्त रूप से पूजा होती है। और इसमें जो है तिल का दान है, तिल का दान करें, कुसा का दान करें और वस्त्र का दान करना चाहिए। ये मुख्यतः दान है। और भगवान को आराध्य मानते हुए उनका जो है दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, इन सब चीज़ों से भगवान श्री हरि का, नारायण जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए। एकादशी को व्रत रहेगा, उस दिन वो जो व्रत रखे, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसको जल ग्राह्य नहीं, वो जल नहीं पिएगा पूरी एकादशी के दिन, पूरी रात। अब द्वादशी जब व्रत खोलेगा तो भगवान श्री हरि के ही चरणामृत से वो व्रत को खोले, ये मुख्यतः है। भगवान विष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी जी है, वो जो है तुलसी स्वरूपा है, तुलसी को ही लक्ष्मी, इसलिए जब शालिग्राम जिसको हम कहते हैं, जो शालिग्राम में है, तो शालिग्राम को कभी भी अकेला नहीं रखा जा सकता, उन्हें तुलसी के साथ रखा जाता है, क्योंकि वो पति पत्नी स्वरूपा हैं, इसलिए माँ तुलसी का भी पूजन उन्हीं के साथ किया जाता है। जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं, कोई भी व्यक्ति सामान्य एकादशी के दिन भी तुलसी को जो ना जल चढ़ता है और ना ही उनको जो है तुलसी के पत्र को तोड़े जाते हैं। और रविवार के दिन, ये दो दिन विशेष होते हैं, तो एकादशी प्रत्येक मास की और रविवार, इनको तुलसी को ना जल चढ़ाना चाहिए ना ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। अगर हम जैसे नित्य पूजा करने वाले लोग हैं, या हमें एकादशी आ रही है तो हम तुलसी का, क्योंकि उसके बगैर पूजा नहीं है ठाकुर जी का, तो कैसे पूजन करें? तो तुलसी को एक दो दिन पहले तोड़ लें, और या झड़ी हुई जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे उनको उठा करके उनसे फिर पूजन करें। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।